ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग वसुधा सेन के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काली 21 जून के विश्व भर में मनाया जाहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में लिही भाग। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह आज मनेन्द्रगढ़ में अधिकारी मन के समीक्षा बैठक लीन। केंद्र सरकार के आने आने योजना मन ले लाभान्वित हितग्राही मन ले करीन चर्चा। और आज प्रदेश समेत देश के अलग अलग जगह में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा निकाले जात है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री हा रायपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथ यात्रा महोत्सव में हुई शामिल। अब समाचार विस्तार ले। नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काली 21 जून के विश्व भर में मनाया जाहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिही। ये बच्चा योग दिवस के विषय है वसुधैव कुटुम्बकम के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका में छत्तीसगढ़ के शहर और गांव मन में घलो अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करे जाहे। ये वक्त एक विश्व एक स्वास्थ्य विषय ऊपर केन्द्रित कार्यक्रम के जरिया हर घर आंगन योग के संदेश दे जाहे। राज्य योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा बतैन कि योग दिवस के अवसर में सार्वजनिक और ऐतिहासिक महत्व के प्रमुख स्थान में लोगन मन के अधिक से अधिक भागीदारी के संग सामूहिक योग अभ्यास के आयोजन करे जाहे। उन्हें आंगनबाड़ी बाल आश्रम वृद्धाश्रम और सार्वजनिक उपक्रम के अलावा सरकार के सबो विभाग में घलो योग के कार्यक्रम होही। ये कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्था मन के कार्यकर्ता मन भाग लिही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा योग ल लेके ज्यादा ले ज्यादा लोगन मन के बीच जागरूकता फैलाए बर हर घर आंगन योग करे की अपील करे हैं। उमन कहिन कि योग हमर मन में सकारात्मक भाव पैदा करते। हमन ला हर दिन अपन बर थोरकुन समय निकाल के योग करना चाहिए। मुख्यमंत्री हा कहिन कि जेन मन योग ल अपन जीवन में उतार चुके हैं ओमन एकर संदेश जन जन ल तक पहुंचावे ताकि सबो मनखे मन योग के माध्यम ले स्वस्थ जीवन जी सकें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून के एक दिवसीय प्रवास में छत्तीसगढ़ आवत हैं। ये दौरान उमन दुर्ग जिला में एक सभा ला संबोधित करही। श्री शाह के दौरा ला लेके आज दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आनंद छाबड़ा हा भिलाई में पुलिस अधिकारी मन के बैठक लीन। बैठक में श्री शाह के आगामी कार्यक्रम के व्यवस्था के समीक्षा करेगी। जानकारी के अनुसार श्री शाह 22 जून के 12:30 बजे विशेष विमान ले रायपुर विमानतल पहुंची। एकर बाद उमन हेलीकॉप्टर ले दुर्ग जाही। जी हां मंझनिया 2 बजे एक ठन सभा ला संबोधित करही। एकर बाद श्री शाह हेलीकॉप्टर ले वापस रायपुर आही। जी हां पार्टी के शीर्ष नेता मन के बैठक लीही। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह 19 जून ले छत्तीसगढ़ के 3 दिन के प्रवास में मनेन्द्रगढ़ जिला के दौरा करत हैं। श्री सिंह आज मनेन्द्रगढ़ के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला प्रशासन के अधिकारी के समीक्षा बैठक लीन। एकर बाद श्री सिंह केंद्र सरकार के आने आने योजना मन ले लाभान्वित हितग्राही मन ला चर्चा करीन। श्री सिंह ए दौरान आने आने स्थानीय कार्यक्रम में घलो शामिल हुईन। अपन प्रवास के आखिरी दिन श्री सिंह योग कार्यक्रम में घलो शामिल होही। एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के तहत नागालैंड ले छत्तीसगढ़ प्रवास में आए विद्यार्थी मन के दल हा काली राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ले राजभवन में सौजन्य भेंट करीन। ये विद्यार्थी मन एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत 5 दिन ले छत्तीसगढ़ के प्रवास में हवें। राज्यपाल हा नागालैंड के ये विद्यार्थी मन ला संबोधित करत हुए कहिन कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पहल में ये अनूठा युवा संगम कार्यक्रम पूरा भारत में लागू करे गये है जेमा सबो प्रदेश मन के युवा मन दूसर प्रदेश में जाके वहां के संस्कृति ला समझत हैं और वहां के पर्यटन स्थल मन के भ्रमण करत हैं। ओमन कहिन कि भारत के ताकत उखर अनेकता मा एकता के भावना आए। ओमन विद्यार्थी मन ला पढ़ाई समाप्त करे के बाद समाज के वंचित वर्ग के सेवा करे के आह्वान करीन। नागालैंड ले छत्तीसगढ़ आए ये दल मा 39 विद्यार्थी और प्राध्यापक शामिल हैं। नागालैंड ले आए युवा मन 5 दिन के दौरान छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल मन के भ्रमण घलो करीन। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR,
ट्विटर हैंडल CGAIR News और हमारे यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR News। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा था छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगो बारो वक्त समाचार कोती। प्रदेश में आज ले गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा शुरू हो गये है। 4 जुलाई तक चलैया ये पखवाड़ा के तहत लोगन मल्ला डायरिया के नियंत्रण और रोकथाम पर जागरूक करे जाही। ये दौरान 0 से 5 बच्चर तक के लैका मल्ला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन मंडहा ले घर घर जाके ORS पैकेट और डायरिया ले ग्रसित लैका मल्ला जिंक टैबलेट दे जाही। पखवाड़ा के तहत सब्बो स्वास्थ्य केंद्र मनमा ORS जिंक कॉर्नर के स्थापना के संग ही लोगन मल्ला डायरिया के बारे में जागरूक कर कई ठन गतिविधि ला संचालित करे जाही। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव आज रायपुर में TB के मरीज मल्ला सुपोषण उपलब्ध करावत राज्य के नीच 6 मित्र मल्ला सम्मानित करीन। ये अवसर में ओमन TB के मरीज मल्ला पोषण आहार के पैकेट घलो वितरित करीन। आज देश के अलग अलग जगह में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा निकाले जाते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रथ यात्रा के अवसर में लोगन मल्ला शुभकामना दे हैं। एति छत्तीसगढ़ में घलो रथ यात्रा के पर्व ला श्रद्धा और उल्लास के संग मनाये जाते। आज बिहनिया ले ही मंदिर में श्रद्धालु मन के तांता लगे है और दिन भर पूजा अर्चना के दौर चलत है। ये मौका में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा ला रथ में सवार कर यात्रा निकाले गये। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुईन। उमन भगवान जगन्नाथ के पूजा अर्चना कर देश और प्रदेशवासी मन के सुख समृद्धि के कामना करें। राज्यपाल रथ यात्रा शुरू होने के पहली भगवान के प्रथम सेवक के रूप में सोना के बने बाहरी ले बाहर के छेरा पहरा के रस्म अदा करें। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कलो उपस्थित रहें। मुख्यमंत्री रथ यात्रा के शुभारंभ अवसर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के पूजा अर्चना करत हुए प्रदेशवासी मन के सुख समृद्धि के कामना करीन। ये दौरान रथ यात्रा के पहली मुख्यमंत्री विशेष पूजा अर्चना और हवन के बाद भगवान जगन्नाथ ला सिर में विराजित कर रथ तक लेके ऐन और छेरा पहरा के रस्म अदा करीन। ये अवसर में छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत, जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा समेत दूसर गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि मन उपस्थित रहीन। JEE एडवांस 2023 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दे गये है। ये परीक्षा में प्रदेश के आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय के लिका मन्हा उत्कृष्ट प्रदर्शन करे हैं। IIT गुवाहाटी डहरले JEE एडवांस के घोषित परिणाम में ए बच्छर प्रयास आवासीय विद्यालय के 141 में से 57 लैका मन क्वालिफाई करे हैं। एमा ले 28 जन विद्यार्थी मन के IIT और 29 जन के NIT में चयन संभावित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आदिम जाति विकास मंत्री डॉ प्रेम साय सिंह टेकाम विद्यार्थी मन के ये उपलब्धि पर बधाई देवत हुए उखर उज्जवल भविष्य की कामना करे हैं। बीजापुर जिला में पाछू रतिहा सहायक आरक्षक संजय बेड़जा के अज्ञात लोगन मनहा हत्या कर दिन है। मिली जानकारी के अनुसार ये आरक्षक भद्राकाली थाना क्षेत्र में पदस्थ होके वर्तमान में रक्षित केंद्र बीजापुर में संबंध रहीन। आरक्षक कुछ दिन के छुट्टी लेके अपन परिवार वाले मल्ले मिले पर पाताकुटरू गांव गे रही, जिहां पाछू रतिहा अज्ञात हमलावर मनहा सहायक आरक्षक के धारदार हथियार ले हत्या कर दिन। आखिर में प्रमुख समाचार एक घो फेर। नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काली 21 जून के विश्व भर में मनाये जाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में लिही भाग। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह आज मनेन्द्रगढ़ में अधिकारी मन के समीक्षा बैठक लीन। केंद्र सरकार के आने आने योजना मन ले लाभान्वित हितग्राही मन ले करीन चर्चा। और आज प्रदेश समेत देश के अलग अलग जगह में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा निकाले जाते हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री रायपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथ यात्रा महोत्सव में हुई शामिल। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।